हेलो ऑल, दिस इज विभूति खन्ना फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आज का टॉपिक है मीडियन। स्टैटिस्टिक्स पे वर्क कर रहे हैं, क्लास 11th के लिए भी काम आएगा, सीए फाउंडेशन के लिए भी काम आएगा, बीकॉम में भी अगर आपकी स्टैटिस्टिक्स है तो भी आपको मीडियन करना है, और अगर आपका बीबीए में भी है तो भी मीडियन करना है, और अगर आप कोई पीजी कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये काम आएगा। मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसी है, एक बार 11th में सीख लिया, आगे 10वीं जगह आपका ये सेट हो जाना है। स्ट्रॉन्ग करके चलते हैं ना। ठीक है जी, मीडियन में बेसिकली बहुत इजी है। मीडियन मोड पे मेरी वीडियोस बन चुकी हैं, मीन पे मेरी वीडियोस बन चुकी हैं, वो वहां से देख सकते हैं, और अब इसको खींचिए। ठीक है जी, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, व्हाट इज मीडियन? इट इज अ मिडल एलिमेंट इन द सीरीज। बेसिकली हमें इसमें मिडल एलिमेंट निकालना होता है कि व्हाट इज द मिडल एलिमेंट। वो मिडल एलिमेंट से जो लोएस्ट वैल्यूज है वो कितनी है, और उस मिडल वैल्यू से जो हाईएस्ट जा रही है वो कितनी है, उसको हम एक तरीके से एनालाइज कर रहे हैं थ्रू मीडियन। तो हमें इसमें भी हमें देखना है कि क्या इंडिविजुअल सीरीज है, क्या डिस्क्रीट है, और क्या कंटिन्यूअस है। इस वीडियो में मैं आपको इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज क्लियर कर रही हूँ, कंटिन्यूस की मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। रीजन बिहाइंड इस बोर्ड पे क्लियर नहीं हो सकता था, कोशिश थी कि तीनों एक ही में कर दूं बोर्ड पे, पर फिर वो क्लैरिटी नहीं आती। तो देखिए जी, अगर हमारी फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल सीरीज है, क्योंकि शॉर्ट में बनाती हूं वीडियो, लंबी लंबी वीडियोस नहीं है कि बिल्कुल टाइम वेस्ट आपका किया जाए, जल्दी जल्दी देखिए और अपना रीकैप लेते जाइए। इंडिविजुअल सीरीज में क्या है, आपके पास कुछ डेटा गिवन है, मैंने यहाँ पर कुछ डेटा लिया है, तो जो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, व्हाट एवर वैल्यूज हैज बीन गिवन टू यू, यू हैव टू कन्वर्ट दोज वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, व्हाट एवर मोड यू कैन डू। मैं असेंडिंग ऑर्डर में कर रही हूँ, तो मेरी सबसे लोएस्ट वैल्यू है 35, देन 75, देन 85, देन 96, एंड 96 के बाद हमारा हो जाएगा 100, देन हमारे पास है 109, एंड देन हमारे पास है 150। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हमारे पास 7 वैल्यूज हैं। मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया, असेंडिंग में करिए डिसेंडिंग में करिए, डजंट मैटर, आंसर सेम आएगा। ठीक है जी, अब हमारा जो मीडियन का फॉर्मूला है, दैट इज डिनोटेड विद कैपिटल एम, साइज ऑफ एन प्लस 1/2 आई टर्म, ये हमारा फॉर्मूला है, दैट्स इट। एन कितना है हमारा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है आपकी, 7 + 1/2 यानी कि हमारा आ गया 4। हमारी फोर्थ आइटम क्या है, दिस इज फर्स्ट आइटम, दिस इज सेकंड आइटम, दिस इज थर्ड आइटम, एंड दिस इज फोर्थ आइटम, यानी हमारा मीडियन हो गया 96। इंडिविजुअल सीरीज में कैसे कैलकुलेट करना है, हमारा काम हो गया डन। देखिए जी कितना इजी था ना। अब इजीएस्ट चीज को भी बच्चों की गलत हो जाती है तो वो तो गलत बात होती है भाई। एक और क्वेश्चन ले रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा फॉर्मूले में डेविएशन आएगी, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग कि भैया हाँ क्लियर होना चाहिए। अब मैंने कुछ वैल्यूज और ली है, मान लीजिए कि हमारा रेंट है, इसे मैं रेंट लेके चल रही हूँ, रुपीज में वैल्यू 5,000, 4,000, 8,000, 3,500, 6,500, 9,000, 6,000, 1,000, 1,200, सेम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। हाँ जी, सबसे लोएस्ट वैल्यू चेक करते हैं, 1,000, देन हमारे पास है 1,200, देन हमारे पास है 1,500, 2,000 के डिनोमिनेशन में आई थिंक कुछ नहीं है हमारे पास, उसके बाद सीधा 3,500 आ रहा है, 3,500 के बाद 4,000, यस, देन 5,000, यस, देन 6,500, एंड नहीं सॉरी 6,000 भी हमारे पास, 6,500, देन 8,000, एंड देन 9,000। हमने सबसे पहले किया असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट, फिर हम मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए जी, साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2 आइटम। ठीक है, अब एक इसमें एक ट्विस्ट आएगा, आपको बताती हूँ मैं क्या होगा। n हमारा कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10+1/2 इज इक्वल टू 5.5 आइटम। अब बेटा यहां पर डेसिमल में वैल्यू आ गई, 5.5 आइटम आपके सामने आ गई। ठीक है जी, अब इस पे आपको वर्क करना है, तो आपको एनालाइज करना है। तो हमें करना क्या है, यहां पर साइज, फर्दर फॉर्मूले में एब्रीविएशन करनी पड़ेगी, साइज ऑफ फिफ्थ आइटम प्लस साइज ऑफ सिक्स्थ आइटम, डिवाइडेड बाय 2, 5.5 है ना,
तो 5.5 का मतलब क्या है, आपकी जो वैल्यू है फिफ्थ और सिक्स वैल्यू के बीच में कहीं लाई कर रही है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी फिफ्थ आइटम है उसका वैल्यू लेंगे, सिक्स आइटम लेंगे उसका वैल्यू लेंगे, और उसका हम एवरेज कर देंगे। अगर हमारा 4.5 आ जाता तो फोर्थ प्लस फिफ्थ आइटम हमें प्लस करनी पड़ती, अगर हमारा 3.5 वैल्यू आ जाता तो थर्ड प्लस फोर्थ आइटम को हमें प्लस करना पड़ता। अब देखिए फिफ्थ आइटम हमारी कौन सी है, 1, 2, 3, 4, 5, 4000। फिफ्थ आइटम हमारी क्या है, 5000 डिवाइडेड बाय 2, हमारा क्या आया 9000 डिवाइडेड बाय 2, क्या निकल के आ गया 4500। अब ध्यान से देखिए, ये जो 4500 आया है दैट इज योर मीडियन। अब वो रुपीज में है तो रुपीज में डिनोट करेंगे, वो केजीज में है तो केजीज में डिनोट करेंगे, वट एवर वैल्यू इट इज। मैंने कहा था ये रेंट है तो मैंने इसको रुपीज में डिनोट कर दिया। ये तो आपको काम करना है जी, जब हम इंडिविजुअल सीरीज पे वर्क करें, देर इज टू टाइप ऑफ थिंग्स कि आपका एक इस तरीके से वैल्यू आए, मैंने दोनों केस आपके सामने कवर कर दिए बोर्ड पे। अब हम आते हैं अपनी डिस्क्रीट सीरीज पे। डिस्क्रीट सीरीज में हम ये इस तरीके से, आपके पास डिस्क्रीट सीरीज है, हमारे पास टू वैल्यूज है, वेट इज गिवन है 100, 200, 300, 400 एंड 500। इसके बाद हमें नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है, टेबल तो आपको बनानी पड़ेगी बेटा, ये दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज एक्स, फ्रीक्वेंसी को लोगे आप 3, 8, 10, 4 एंड 2। इसके बाद आपको एक स्टेप करना है यहाँ पे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, इनको एडिशन करते जाएंगे, फर्स्ट इज 3, 8 plus 3, 8, 9, 10, 11, 11 plus 10, 21, 21 plus 4, 25, 25 plus 2, 27। दिस इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी जब भी आपको डिस्क्रीट सीरीज का न्यूमेरिकल आता है तो यू हैव टू कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके बाद आपको फॉर्मूला यही लगाना है मीडियन का, साइज ऑफ एन प्लस वन अपॉन टू आइटम, ठीक है जी, एन प्लस वन, ठीक है। एन क्या है हमारा, यहां पर जो हमारा एन आएगा ये सिग्मा एफ कह लो या एन कह लो, सेम बात है, ठीक है। 8, 9, 10, 11, 11 और 10, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 इज योर एन। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 27 प्लस 1 अपॉन 2, 28 अपॉन 2, यानी कि 14। देखिए जी, ये जो हमारा 14 आया, अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू निकल के आई है, अब ये हमारा पूरा नहीं हुआ है, ये जो 14 है ये कहाँ लाइज करेगा, कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करेगा, तो ये हमारा लाई करेगा 21 के अंदर, क्योंकि इस वाले पेयरिंग में तो आ नहीं रहा, यहाँ तो वैल्यू आपकी 11 है, यहाँ आपकी 21 है, तो इतना इट मींस ये वाला मीडियन इस वैल्यू के बीच में लाई करेगा जहां पर आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है 21। इस टाइम पे आपका वेजेस के अंदर ये जो आपकी वैल्यू आ रही है, इस टाइम पे जो आपकी एक्स की वैल्यू है दैट इज योर मीडियन, यानी 14 विल लाई इन दिस 21 एंड एट दैट टाइम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर एक्स, तो योर मीडियन विल बी 300 रुपीज, क्योंकि ये वेजेस हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि जो वेजेस होंगे वो आपके पास रुपीज में होंगे। बस इतना सा आपको काम करना है, दैट्स इट। तो आपकी जो 14th आइटम है दैट इज योर मीडियन, यहां पर हमारी जो निकल के आती है दिस इज द 14th आइटम बेसिकली, और 14th आइटम इज दिस लाई विल इन दिस ईयर इन दिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एट दैट टाइम योर मीडियन विल बी 300 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ रुपीज, क्योंकि ये वेजेस है। तो आपको इस तरीके से इंडिविजुअल सीरीज पे करना है, डिस्क्रीट सीरीज पे करना है, कंटिन्यूस में मैं वीडियो बना रही हूँ, आपके काम आएगी। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते जाया करो, देखते हो तो कर तो दिया करो, कितनी देर लगती है और पैसे भी नहीं लगते आपके, आपका कुछ भी नहीं जाता और मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है। ऑल द बेस्ट।